कल रात में क्या हुआ, कल रात में सोने से पहले मैं मॉडिफाइड कार की बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, और जैसे मैंने वीडियोस देख के खत्म किया मेरी आंख लगी, और जैसे मैं सवेरे उठा मैंने देखा कि बाहर के मौसम काफी ज्यादा अच्छे। फाइनली लद्दाख एपिसोड पूरा खत्म हो चुका है, और मेरे पास खत्म होने के बाद भी इतनी सारी बातें लद्दाख एपिसोड को लेकर के कि मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में आज आप लोगों में बताना चाहूंगा। जैसे लद्दाख के कुछ कुछ एपिसोड चल रहे थे तो उसमें से कुछ कुछ एपिसोड ऐसे थे जो काफी लेट में अपलोड हो रहे थे, तो उस बीच में क्या होता था कि मुझे हमारे प्रिय लोगों का फोन आने लगा कि पूछने लगे कि एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है, और इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने पसंद किया, मतलब जो भी मुझसे मिलता था जो हमारे व्लॉग्स को देखता था वो हमसे आकर के यही बोलते थे कि ये जितने भी एपिसोड लद्दाख के थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, काफी मजेदार थे। सो मुझे पता है कि आज मुझे क्या बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी है, सवाल भी है। मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसी लोकेशन देख लो जहाँ पे रुक के मैं आराम से थोड़ी बातें कर लूं। पहला सवाल तो यही है, कहाँ हैं आप? मतलब लद्दाख एपिसोड डालने के बाद आप कहाँ गायब हो गए हैं? मतलब व्लॉग डालना है कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने हर किसी के मुंह से सुना। तो बात स्टार्ट करते हैं हम वहां से, मनाली से। मनाली से हमें आना था रायपुर की तरफ, तो मनाली से हम सवेरे सवेरे निकले थे दिल्ली के लिए, और जैसे हम दिल्ली पहुंचे हमने सोचा कि दिल्ली में स्टे कर लेते हैं, लेकिन हमें जोश इतनी थी ना कि हमने दिल्ली पे स्टे नहीं करा, हमने रात भर ड्राइव करा, दिन भर ड्राइव करा, फिर हम पहुंच चुके थे रायपुर। करीब 1600 से 1700 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके थे रायपुर, और जैसे ही हम रायपुर पहुंचे हमने दो दिन आराम किया रायपुर में, और दो दिन आराम करने के बाद अब हमें जाना था जशपुर की तरफ। रायपुर से करीब जशपुर 400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमने दो दिन आराम किया फिर हम चल पड़े जशपुर की ओर। तो जैसे ही हम पहुंचे जशपुर मुझे तो आराम चाहिए था, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद आराम बहुत ज्यादा जरूरी था, तो हमने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद करीब मैंने 2 या 3 दिन तक घर पे ही आराम करा, और आराम करने के बाद फिर मुझे वापस आना था रायपुर के लिए, मतलब 400 किलोमीटर। तो मैं एकदम आराम से घूमते घूमते उड़ीसा होते हुए, उड़ीसा बरगढ़ होते हुए आराम से मैं घूमते घूमते आया, और जैसे मैं रायपुर पहुंचा मेरी हो गई तबीयत खराब, और तबीयत ऐसी खराब हुई कि मैं बेड से मतलब उठ पा रहा था लेकिन और कुछ काम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मुझे जाना था नागपुर, नागपुर में हमारा एक इवेंट था तो हम गए नागपुर। नागपुर में इवेंट के बाद फिर हम आए वापस रायपुर, तब तक तबीयत थोड़ा ठीक था, लेकिन इस बीच में मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं ऐसे कैमरे उठा के ऐसे व्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। तो ये कुछ कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था। अभी भी मेरी तबीयत थोड़े ख़राब है वो आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो कुछ शूट करना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि हम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये छोटी कहानी थी मेरे इतने दिनों तक वीडियो नहीं डालने की। तो अभी मैं अपने कमरे पे हूँ और दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। ये कमरा शायद हमारे व्लॉग में काफ़ी दिनों के बाद आ रहा होगा, और अभी मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं लद्दाख गया हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आया, जैसे स्टिकर वगैरह मुझे काफ़ी सारी मिली, तो मैं अपने कमरे के लिए लेकर के आया ताकि मैं उस चीज़ों को देखूँ, वो इन स्टिकरों को देखूँ, कुछ कुछ यादें मैं देखूँ तो मुझे वो जगह याद आते रहे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ हम जल्दी मिलेंगे।